इंडिया एयरलाइंस का फुल फॉर्म पूछा गया तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के हक में है, डेमोक्रेसी के हक में है और हमारा देश आगे बढ़े इसके हक में है। नीतीश कुमार कुर्मी के नेता थोड़ी है, वो भारत के नेता है। मध्य प्रदेश में 16% कुर्मी है, छत्तीसगढ़ में 22% कुर्मी है, उत्तर प्रदेश में 15% कुर्मी है। देश में 170 सीटें हैं लोकसभा की, जहां कुर्मियों की तादाद 1 लाख से 3 लाख में। कई मैदान बुक करने की हम लोगों ने कोशिश की, उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। वो चाहते हैं कि डिक्टेटर बन जाएं, हिटलर और मुसोलिनी की तरह वो सरकार चलाना चाहते हैं, दो लोगों का सिक्का चले और एक इंसान का राज चले, तो ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक समझ नहीं पाई है कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है और बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। वो आज भी ये समझते हैं कि गाय के गोबर से बहुत सारी दवाएं बनाई जा सकती हैं और लोगों की ज़िंदगियां वो गोबर में तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि CBSE की किताबों में ये पढ़ाया जाए कि गौमूत्र के कितने फ़ायदे हैं, और यानी जितनी पत्थर के ज़माने की बातें हो सकती है, अंधविश्वास की बातें हो सकती है, उसको ये प्रमोट करेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साइंटिफिक जो बातें हैं इनको अच्छी नहीं लगती। इंडिया एयरलाइंस क्या है? एक विपक्षी पार्टियों का समूह है, और जो पार्टियां देश के 60% लोगों को की नुमाइंदगी करती हैं, अगर उस इंडिया एयरलाइंस का फुल फॉर्म पूछा गया तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के हक में है, डेमोक्रेसी के हक में है और हमारा देश आगे बढ़े इसके हक में है। भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि डिक्टेटर बन जाएं, हिटलर और मुसोलिनी की तरह वो सरकार चलाना चाहते हैं, दो लोगों का सिक्का चले और एक इंसान का राज चले, तो ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिन गिने चुने रह गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये लोग भारत की संस्कृति के साथ, भारत के समाज के साथ और भारत में जो सहिष्णुता वाला समाज है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को वो लोग घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो सवाल आया तो इसके जगह पर कह रहे हैं कि इसके जगह पर कोई और सवाल हो सकता था, ये इंडिया गठबंधन अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये सारा सवाल किया जा रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन को प्रमोट होने की जरूरत है सवालों के जरिए। देखिए, जो लोग इसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, सब लोग देख रहे हैं को कैसे अहंकार में जी रहे हैं, किस तरह यानी मुल्क की पार्लियामेंट को, देश की पार्लियामेंट को, देश की कैबिनेट को और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरफ करके इन्होंने रातों रात नोटबंदी का फैसला किया। क्या ये डेमोक्रेटिक फैसला था? घमंड में कौन है, कौन अहंकार में जी रहा है, किसने उल्टे सीधे, किसने ये फैसला किया कैबिनेट को छोड़ करके, पार्लियामेंट को छोड़ करके, कि सेना में अब जो है ना सेना के परमानेंट लोग बहाल नहीं होंगे, वो कौन सी सेना, अग्निवीर हम करेंगे? कौन होते हैं आप डिसीजन लेने वाले? किसने ये डिसीजन लिया पार्लियामेंट को छोड़ करके और कैबिनेट को छोड़ करके और पूरे विपक्षी पार्टियों को छोड़ करके कि अब इस GST लागू होगा, एक तरह का GST होगा? ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आप डिक्टेटर हो गए हैं, आपको डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। जो पार्लियामेंट में विपक्ष के लोग बोलते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं आप, उनको किसी न किसी बहाने जेल भेजने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जो अपोजिशन का एक फेस है, उसके भाषण को आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकलवा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। जो बोलता है पार्लियामेंट के फ्लोर पर, आप जो है ना बोलते हैं कि भाई आप ये कटुआ है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, दिखाना बंद कर दिया जाता है। तो आप अहंकार में जी रहे हैं, घमंड में जी रहे हैं। आपको लगता है कि मेजोरिटिज्म की जो बीमारी होती है वो बीमारी लग गई है, यही बीमारी हिटलर को भी थी और यही बीमारी मुसोलिनी को, दोनों इलेक्शन से जीत के आए थे, पता है ना आप लोगों को, हिस्ट्री पढ़िए, दोनों इलेक्शन से जीत के आए थे और यही बीमारी लगी थी जो आजकल हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगी हुई है। लेकिन भारत इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। लेकिन वो लोग किस भी हाथ पे ये बातें कह देते हैं कि 2024 में हम 400 से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे, और जहां तक ये जब चुनाव हुआ तो 3 राज्यों में उनकी सरकार भी बन जाती है, जबकि मीडिया एजेंट ये सब कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे तो ये लोग बन रहे हैं, कैसे हो जाता है ये सब? देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि आपको वोट ज्यादा मिला, आप सरकार बनाइए। और इसकी खूबसूरती ये भी है कि
समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उस व्यक्ति की आवाज़ भी सुनी जाए, यही है इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती। ठीक है, नीतीश कुमार बनारस की रैली क्यों रद्द हुई? देखिए, नीतीश कुमार जी विपक्ष के का एक चेहरा है और सब कुछ तय हो गया था कि 24 दिसंबर को बनारस में रैली होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिस कॉलेज में हम लोगों की रैली होने वाली थी, उस कॉलेज के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाया कि आपकी परमिशन रद्द कर देंगे, आपकी बिल्डिंग पर बुलडोज़र चला देंगे अगर आपने ये रैली कराई। उसने हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं करा सकते, और कई जगह कई मैदान बुक करने की हम लोगों ने कोशिश की, उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गोया कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश एक पुलिस स्टेट हो चुका है, जिसके कप्तान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाजपा वाले कह रहे कि नीतीश जी को कहाँ रैली करनी है, हम जगह देंगे, आदमी नहीं जुटने वाला था इसलिए रैली रखी। अरे तो आप ये भी बोल रहे हैं वो कि हम उनको जम्मू कश्मीर में रैली करवा देंगे, करना तो चाहे आदमी तो जुटा के देखें। देखिए, भारतीय बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की रैली में भीड़ नहीं आती, ये भाजपा का नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप होने तो देते, आप परमिशन दे देते कि रैली करें, हमारे भीड़ हमारे रैली में जीरो होता, कोई नहीं आता, उसके बाद बोलते ना। आप ये कौन होते हैं रोकने वाले? ये क्या उत्तर प्रदेश की जमीन भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्री करा ली अपने नाम से? वो मैंने सुन लिया। और ये सब जो है ना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो नहीं चाहती है कि बनारस में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री के उन झूठे वादों को याद दिलाएं कि आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल। वो नहीं चाहती है कि यूपी में जाकर के इनके डिक्टेटरशिप का पर्दाफाश करें हम लोग, और ये भी नहीं चाहती है कि जिस तरह वहाँ यानी जुडिशियल सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है और कनपट्टी में पुलिस दिन के दहाड़े में गोलियां मार रही है, तो बिहार में हुआ है। और ये वो गोली मार दी गई सर, नहीं वहाँ कुछ ज़्यादा हुआ है, जिस तरह अतीक अहमद और इस तरह के लोगों के साथ जो हुआ, यानी लगता है कि कोई कानून का राज नहीं है सर, इस सब का पोल खुल जाता है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने वो जगह क्यों चुना? क्या इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए खास के मोदी जी के सामने आ रहे ताकि इंडिया अलायंस के लोग? नहीं नहीं, देखिए बनारस से बिहार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज आप भी जाएंगे बनारस आज के दिन, तो आपको लगेगा कि बनारस में 10% लोग घर जो है ना बिहार के लोगों का मिलेगा, और एक अध्यात्म की जगह मानी जाती है, सूफी संतों की जगह मानी जाती है। हम तो 1000 किलोमीटर दूर से नहीं गए बनारस, उनसे जाके सवाल कीजिए जो 1000 दूर से आकर के वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं। हम तो अपने घर में गए, हमारा पड़ोस है और हमारा हक है कि वहाँ से शुरू करें। तो मोदी नीतीश कुमार को बनारस में रैली करने नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं मिलता मैदान में, चाहे जहाँ भी करना चाहिए। जब नीतीश कुमार को रैली करने की परमिशन नहीं है तो फूलपुर से चुनाव कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे नीतीश? हम रैली करेंगे, करेंगे जनता दल यूनाइटेड रैली करेगी, और एक नहीं करेगी, दर्जनों रैली करेगी, चाहे हमको किसान के खेत में करना पड़े, लेकिन हम रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमको रोक नहीं सकती है, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, नौजवानों के दर्द को समझ रहे हैं, हम रैली करेंगे। और कह दीजिए इन हिटलर और मुसोलिनी के सोच वाले लोगों से कि जनता दल यूनाइटेड के लोग आ रहे हैं आपके सीने पर ताबूत और सीने पर कील गाड़ने के लिए। फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, तो चर्चा है। नीतीश कुमार तो कहीं से लड़ सकते हैं, 543 सीटों में वो करें, कहीं से भी लड़ लें। जो खबरें आ रही हैं फूलपुर नहीं, ये तो उनको तय करना है, लीडरशिप को तय करना, हम लोग इस बारे में कुछ की ज्यादा आबादी है सर। नहीं नहीं, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता थोड़ी है, वो भारत के नेता नहीं, वो भाजपा वाले चाहते हैं उनको एक जो है ना ब्रांड कुर्मी ब्रांड करना, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो 130 करोड़ भारतीयों के नेता है, पहले नेता है जिनको यूएन बुलाता है कि आइए कुछ हमको बताइए कि कैसे क्लाइमेट पे काम हो, ये देश के भारत के पहले नेता है। तो उनकी अपनी टीआरपी है और 130 करोड़ भारत के लोगों के नेता हैं,
वो फूलपुर में कुर्मी है इसलिए और मध्य प्रदेश में कुर्मी है इसलिए, उनको पता नहीं कि मध्य प्रदेश में 16% कुर्मी है, छत्तीसगढ़ में 22% कुर्मी है, हैं उत्तर प्रदेश में 15% कुर्मी है, तो हर जगह नीतीश कुमार, राजस्थान गुजरात में कितने कुर्मी है, देश में 170 सीटें हैं लोकसभा की जहाँ कुर्मियों की तादाद 1 लाख से 3 लाख में, इसीलिए दावेदारी मजबूत है नीतीश जी पीएम कैंडिडेट के लिए। नहीं नहीं, ये नीतीश कुमार ने कभी जात की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने कहा कुर्मियों मुझे ओढ़ दो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं तो पिछड़ा का बेटा हूँ, कभी नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि मैं पिछड़ा, शहीद के नाम पर वोट दीजिए, वो तो कफन शहीद पाकिस्तान यही सब चलता है उनके पास, दूसरा है क्या, राम जी के नाम पे, श्री राम जी के नाम पे। आपका बैकग्राउंड पत्रकारिता रहा है जी जी, और आज के दौर में पत्रकारिता देखेंगे लोकसभा के बाहर जो जिस तरह छीन रहे थे दूसरे स्कैन वाला रंग वाला जो, उस पर क्या कहेंगे कि किस दौर की पत्रकारिता, कौन सा पत्रकारिता कैसी हो रही है कि एक पत्रकार से दूसरा पत्रकार छीन रहा, वीडियो देखें सर? नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पत्रकारिता चल रही है आज के दिन, पत्रकारिता जो आज के दिन चल रही है वो बहुत अच्छी है, और देखिए हर दौर में हुआ है कि जो राजा था, जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो कुछ पत्रकार पैदा कर लेते हैं अपने लिए, ये नई बात नहीं है, आज के दिन कुछ ज़्यादा हो गया, पहले कम था, तो होता रहा है, और हम लोग पत्रकारिता को इसके लिए अब रहने दिया जाए, जाना है असल में। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से संसद के अंदर जो जो लोग घुसे, अगर वो अगर मुस्लिम होते तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहता, और मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं और पत्रकार की कोई जात पात नहीं होती, लेकिन जहां मुसलमानों का नाम आता है वहां मतलब उनका एक नजरिया बदल जाता है, एक परसेप्शन चेंज हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से मत देखिए, और देश भारतीय जनता पार्टी नहीं है, देश भारत है और हम सब का भारत है, हमको इस एंगल से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रभक्ति जिसका मेन मुद्दा है वो पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर पाई। ईवीएम को लेकर क्या सोचना? और ये पार्लियामेंट की सुरक्षा न होने का मतलब ये है कि आपने 130 करोड़ लोगों की आस्था की जगह को, जो केंद्र बिंदु है, आस्था की जगह है पार्लियामेंट, जो हमारे लिए सब कुछ वही है, पार्लियामेंट ही है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो देश की कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? वो हिंदू होता मुस्लिम होता ये अलग इशू है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम होता इशू बनाती, लेकिन उसको भूल जाना चाहिए हम लोग, हम लोग को इस पर फोकस करना चाहिए कि जो पार्टी राष्ट्रभक्ति का नारा दम भरती है वो पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। देखिए ईवीएम के लिए पॉलिटिकल सवालात होते हैं, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि बात साइंटिफिक होनी चाहिए, और अगर साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रूफ कीजिए, कोई नहीं प्रूफ कर पाया, तो हमें खाम खा ईवीएम पे उंगली उठाना मुझे नहीं लगता है, बाकी ये मेरी अपनी राय है।